दोस्तों दोस्तोंगढ़ में आपका स्वागत स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में फिर वही दिल लाया हूं तो हम तो दिलदार हैं दिल ही लेके आते हैं हां छोटी मोटी चीज नहीं लाते आज मैं आपको एक बाजीकरण नुस्खा दे रहा हूं इसके सेवन से आपकी नपुंसकता दूर होगी आपका टाइमिंग बढ़ेगा आपका वीरिय बढ़ेगा इस नुस्खे का नाम है कामला सादी चूर्ण ये बाजार में भी मिलता है तो अगर नहीं बना सकते तो अच्छी से अच्छी फार्मेसी का ले आए। कामला सादी चूर्ण में नाम लिख दूंगा ये इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ कमल गट्टा सात तोला जायफल दो तोला केशर एक तोला तेज पत्ता एक तोला और सतावरी दो तोला और अश्वगंधा दो तोला सफेद मूसली दो तोला बंस लोचन एक तोला सालम पंजा दो तोला छोटी इलायची के बीज एक तोला सौठ एक तोला रूमी मस्तंगी एक तोला पीपला मूल एक तोला कबाब चीनी एक तोला खासियत यह है इसके अंदर कि कोई नशे की चीज नहीं नंबर एक बात नंबर दो बात खासियत की यह है कि कोई चीज़ आपको दुर्लभ नहीं आराम से मिल जाएगी बस आपको लाके के कूट पीट के तैयार करनी है मैंने पहले से ही सोच रखा था कि अब नुस्खे ऐसे देवें जो टिपिकल ना हो बनाने में आसानी हो तभी नुस्खे दें तो अच्छा रहता है आप लोगों को दिक्कत नहीं आती मैं इसको एक बार और बोल देता हूँ जहाँ तोला बोला है ना मैंने तोला तो आप उसको दस ग्राम ले लें समझ गए ना आप जहाँ एक तोला बोलूँ तो दस ग्राम दो तोला बोलूँ तो बीस ग्राम ले लें वैसे एक तोला बारह ग्राम का होता है अगर आप बारह बारह ग्राम ले, ले लेंगे तो और ही बढ़िया है ये आपकी इच्छा की बात है बारह ग्राम ले ले मैं बारह ग्राम का एक तोला होता है इसमें कोई दो राय नहीं अब मैं एक बार और बोलता हूँ इसका नाम पड़ा है कमल गट्टा जो होता है अरे कमल गट्टे को लक्ष्मी जी के पूजन के अंदर क्यों रखते हैं भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी माँ कमल गट्टे को रखती है उनकी चॉइस होती है कमल गट्टे का जो सेवन करता है वो कोई सूरत में कमजोर नहीं होता कमल गट्टा इतनी ताकतवर चीज है तो इसलिए कमल को गट्टे को संस्कृत के अंदर कामलाक्षादी चूरण बोलते हैं कमल गट्टे के नाम से इस चोरन का नाम है और ये सिद्ध प्रयोग संग्रह के नुस्खे दे रहा हूं मैं कोई छोटी मोटी किताब के नुस्खे नहीं दे रहा हूं कई लोग पूछ लेते हैं ये कौन सी किताब के अंदर है तो मैं कहीं भी चांस नहीं देना चाहता कि कोई आदमी मुझ पे अंगुली उठाए इसलिए पहले बोल देता हूं ये सिद्ध प्रयोग संग्रह है उसका बुक्स में से नुस्खा है मैं आपको दिखा भी दूंगा ये देखिए उल्टा सुल्टा अब मैं क्या करूं इसका तो इलाज नहीं है देखो ये सिद्ध योग संग्रह इस ग्रंथ का नाम सिद्ध योग संग्रह है और इसके लेखक हैं वैद्य यादव जी विक्रम जी आचार्य जो वैद्यनाथ फार्मेसी के अंदर बहुत समय इन्होंने अपनी सेवाएं दी और उनके ये नुस्खे हैं सिद्ध योग का मतलब ये होता है कि इन योगों को आजमा करके और फिर इसके अंदर दिया है आप लोगों के लिए अब मैं एक बार और बोल देता हूं जो घर पे बनाना चाहें चूरन हाँ कमल गट्टा सात तोला जायफल दो तोला केसर एक तोला तेज पात एक तोला सतावरी दो तोला अश्वगंधा दो तोला सफेद मूसली दो तोला बंस लोचन एक तोला सालम पंजा दो तोला छोटी इलायची के दाने एक तोला सोठ एक तोला रूमी मस्तंगी एक तोला पीपला मूल एक तोला और कबाब चीनी एक तोला बस इन सब को कूट पीट के और कपड़ छान करके चूरन बना के शीशी में भर ले में। मात्रा ये लिखते हैं वही एक चम्मच सुबह और एक चम्मच शाम को लगभग पाँच ग्राम सुबह पाँच ग्राम रात को गाय के घी में थोड़ा शेख उसमें पाव से आधा शेर गाय का दूध मिश्री मिला करके और उस दूध की चार पांच उफान लगावे अगर कर सकते हैं तो इतना गर्म करके और नीचे उतार के और ठंडा होने के लिए रख देवे पीने लायक हो तब पिए चार पांच उफान लगाने का मतलब यह होता है कि वो गाय का दूध थोड़ा ज्यादा हो जाता है ताकतवर हो जाता है जो कर सकते हैं बताना मेरा फर्ज है जो चीज़ लिखी हुई है वो मैं बताऊँगा आपसे न हो तो कोई बात नहीं नहीं तो घर पे जैसा दूध है गाय का दूध यह प्रयोग आप एक महीना कर सकते हैं अभी सर्दी है तीस साल की उम्र वाले एक महीना ज्यादा उम्र वाले दो महीना इसके सेवन से शरीर पुष्ट होता है वीर्य बढ़ता है और कामो उत्तेजना बढ़ती है कितना प्यारा नुस्खा है कामला शादी चूरण थोड़ा बोलने में अटपटा लगता है कोई दिक्कत नहीं कंटेंट सब मैंने बोल दिए कुल मिला के ये कमल गट्टे से एक उसके नाम से बना हुआ ये पाउडर है और देखो इसके अंदर एक दो चीज़ें ज़रा सी महंगी है लेकिन शरीर के लिए कोई महंगी नहीं है कोई सोना बसम नहीं बोली कोई चांदी बसम नहीं बोली एक तो इसके अंदर है जो ये अपने क्या बोलते हैं रूमी मस्तंगी अरे तो आपको लेनी कितनी का एक तोला लेने रूमी मस्तंगी का भाव असली का बारह तेरह हजार रुपये किलो का है और इसके अलावा हाँ एक बार और बोल लेता हूँ कमल गट्टा सात तोला जायफल दो तोला केसर एक तोला ये थोड़ी सी महंगी है तेजपात एक तोला सतावरी दो तोला अश्वगंधा दो तोला सफ़ेद मूसली दो तोला बंसलोचन एक तोला और सालम पंजा दो तोला छोटी इलायची के बीज एक तोला सोंठ एक तोला रूमी मस्तंगी एक तोला पीपला मूल एक तोला कबाब चीनी एक तोला इन सब का पाउडर बना करके आपको सब विधि बता दी है ये लें और इधर इधर उधर की जो आजकल मैं देखता हूं हालांकि देखो थोड़ा समय लगता है लेकिन आप लोगों को मैं थोड़ा सचेत करता हूं कहीं आजकल ऐसे ऐसे नुस्खे देने लग गए हैं कि उनके कोई हाथ और पैर नहीं होते और आप लोग समझते नहीं हो सब्सक्राइब करने के लिए टूट पड़ते हो खूब यूज देते हो मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का कि मैं आपको सात्विक यानि कि कोई तकलीफ़ नहीं देने वाला जिसमें कोई मांस नहीं पड़ता है इस तरह के घरेलू नुस्खे सिंपल दे रहा हूँ तो उनको आप लोग कम लाइक करते हो तो ऐसा करना ठीक नहीं आपको अपना स्वास्थ्य देखना चाहिए और ये मैं बुज़ुर्ग हूँ सेवेंटी सेवन अब ख़त्म होने वाला है फरवरी में सेवेंटी एट लग जाएंगे और मैं चाहता हूँ हनुमान जी से भक्ति करता हूँ उनकी बाबा मेरे को तुम अभी और शक्ति दो ताकि मैं आप लोगों की सेवा कर सकूँ अब आप ये अगर कहेंगे कि ये नुस्खा हमें बना करके दे दो तो मैं बना करके दे दूंगा मैं साफ सुथरी बात करता हूँ और मैं बिल भी आपको दे दूंगा है ना अब लेकिन एक बात बता देता हूँ मेरे देने का मतलब हुआ कि यूं मान के चलो अगर पाँच सौ रुपये का सामान आया पंसारी के यहाँ तो मैं पंद्रह सौ लूँगा साफ़ सुथरी बात मैं कभी मांग के लूँगा आपसे कह करके लूँगा लेकिन मैं धोखा नहीं करूँगा मैं बेईमानी नहीं करूँगा और एक आदमी के लिए मैं नहीं बना सकता दो तीन आदमी मिलकर के अगर बन बनाने के लिए कहेंगे तो मैं उस हिसाब से लूँगा और बाकायदा पंसारी के नंबर पंसारी का बिल आपको पेश करूंगा मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा मैं जो भी काम करूंगा ओपन करूंगा और चैलेंज के साथ करूंगा ये नुस्खा आप अपने घर पे बना लें तो सबसे बेटर है नहीं बना सकते हैं तो अब मान लीजिए आपने मेरे को कह दिया मेरी जो परेशानी है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ छोटी जगह है यहाँ ये यह सब चीजें यहाँ रूमी मस्तंगी नहीं मिलती मेरे बूंदी शहर के अंदर यहाँ केसर भी असली नहीं मिलती है ना यहाँ सालम पंजाबी बढ़िया नहीं मिलता तो ये चीज़ें मेरे को पास में कोटा शहर है वहाँ से मंगानी होगी या अजमेर से या जयपुर से मंगानी होगी तो उनको अगर मैं ऑर्डर दूंगा तभी ये बारह बारह ग्राम ये भेज दो तो मेरी पर्ची को है ना तो ये यूं ही फेंक देते हैं वो पंसारियों के भाव बहुत बड़े हुए हैं भाई बहुत भाव बड़े हुए हैं उन्हें टाइम ही नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मुझसे बनवाना है तो चार पांच आदमियों का नुस्खा मैं बना के दे सकता हूं ताकि मैं वो सामग्री खरीद सकूँ और कोई दिक्कत नहीं अगर यहाँ ये चीज़ें मिल जाती है तो मेरे को एक आदमी का ही बनाने में दिक्कत नहीं लेकिन ये सवा लाख की आबादी का मेरा शहर है बूंदी देखो मेरी पैदाइश जसवंतगढ़ है मैं उसको लव करता हूँ लेकिन मैं यहाँ रहता हूँ और यहाँ की जमीन अब मेरी माँ है वो भी मेरी माँ है और ये भी मेरी माँ है मैं कोई फर्क नहीं समझता जहाँ आदमी रहता है वो उसी की प्रति अपने को समर्पित करना चाहिए क्योंकि आप जहाँ रहते हो जिस मकान में रहते हो जिस कमरे में रहते हो चाहे वो किसी का हो लेकिन आपको उसे अपना समझ के उसकी वैसी साफ सफाई तवज्जो इज्जत और देनी चाहिए अब हम यहीं रहते हैं तो हम यहीं के हैं हम इसी मिट्टी के अंदर जाएंगे यहीं की मिट्टी के अंदर जाएंगे तो ये मिट्टी हमारे लिए बहुत पवित्र है यहाँ के लोग बहुत प्यार देते हैं बहुत स्नेह देते हैं अरे आप भला तो जग भला आप भला तो जग भला आप बुरे तो जग बुरा तो आदमी जहाँ रहे उसको वही जगह अपने समझना चाहिए उससे लव करना चाहिए उससे नफरत नहीं करना चाहिए ये बात हमेशा अपने दिमाग के अंदर रखे जिनकी खाते हैं अरे आप लोग नुस्खा खरीदते हैं मुझसे और मेरे को उसमें कुछ जो उपार्जन होता है तो मैं आप लोगों को कैसे कोई दो बात कहूँ क्यों कहूँ मेरे तो आप ही सब कुछ हैं इसको कहने में कोई शर्म की बात नहीं कोई अहम की बात नहीं आप लोग ही सब कुछ हैं मेरे लिए रोगी सब कुछ है ऐसा नुस्खा दिया है कि गरीब भी आदमी कर सकता है कैसर का क्या कैसर देखे लेवें कैसर अभी इस वक्त बेबी ब्रांड केसर का नाम चल रहा है लेकिन जब अभी ये बेबी ब्रांड केसर 180 का भाव हुआ तो मैं पांच डिब्बी लेके आया 180 में आप ताजुब करोगे वो पांचों ही डिब्बी है ये नकली निकली एकदम नकली निकली देख लो इसमें न तो कोई रंग है न कोई खुशबू है कोई काम की नहीं अब बताओ ये किस चीज़ से बनाई है मेरे ख्याल से ये मैदे से बनाई है क्योंकि मैं चंदन लगाता हूँ ना तो ये जो चंदन है केसर नहीं इसका असर नहीं आता है ये हल्दी का असर आता है और ये एकदम घिस जाती है इसका मतलब है ये कोई अन से बनी हुई चीज़ है इतने चालाक होते हैं ये बेईमान लोग जो आप एक सौ अस्सी रुपया ग्राम के पैसे देते हो और जिसका नाम पड़ता है बेबी ब्रांड अब बताओ पं, ये दुकानदार अब बेबी ब्रांड की जगह और कोई ब्रांड दे देते हैं तो भाई मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता अब जो भी मिलता है जो मिल गया उसी को मुकदर समझ लिया मुकदर समझ लिया जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया हर फिक्र को धुएं में उड़ा

तू किस पे आ गया है वो कौन है जो आकर ख्वाबों में छा गया है हु मस्त रहा करो देखो हमेशा हंसते रहा करो कभी मेरे को भी कई तकलीफे हैं होती है लेकिन मैं आप लोगों को कभी इजहार नहीं होने देता आप लोगों के सामने तो मैं है अपना पोजिशन बना के बैठता हूँ बाद में अपना जो भी कुछ दुखता करता है ना तो उसको समेट लेता हूँ तो इंसान को हर हालत के अंदर जीने की कला सीखनी चाहिए हर हाल में रहने की कला सीखनी चाहिए जो मिल जाए उसी को अच्छा समझ के खा लेना चाहिए अरे एक टाइम अगर दो चपाती कम खा ली तो अपन मरेंगे नहीं कोई चीज़ के अंदर थोड़ा नमक ज़्यादा पड़ गया कहीं खाना खाने गए हैं तो खा लेना चाहिए उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए थोड़ा खा लेना चाहिए तो आदमी को हर हाल में मस्त रहना चाहिए और दूसरे की कभी कोई कमी नहीं निकालनी चाहिए ये मेरे जीवन का तजुर्बा मैं आपको दे रहा हूँ खुश रहें थैंक्स